दोस्तों, क्या आपको पता है माइक नाम की ये चिकन 18 महीने बिना सर के जी है? और क्या आपको पता है जो मीट आप खाते हो ना, वो इतना फ्रेश कैसे होता है? इसका सवाल आपको इस वीडियो में मिलेगा। ऐसे ही अनबिलीवेबल फैक्ट्स आज मैं आपके लिए लाया हूँ, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आप जानते हो हर दिन कितने पेड़ों को काटा जाता है सिर्फ टॉयलेट पेपर्स बनाने के लिए? तो इसका आंसर है 27,000 पेड़। जी हाँ दोस्तों, 27,000 पेड़ों को रोज काटा जाता है सिर्फ टॉयलेट पेपर्स बनाने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा है। दिस इज नॉट फेयर, ये एक कड़वा सच है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आपको पता है आपके सेलफोन के ऊपर टॉयलेट से भी ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं? हम हमेशा अपने टॉयलेट को साफ रखते हैं, पर आपने कभी नोटिस किया है कि हम अपने फोन को साफ क्यों नहीं करते? और ये कर भी नहीं सकते अगर वो वाटरप्रूफ ना हो तो। हमारे सेलफोन पे 18 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं टॉयलेट के मुकाबले। हिलोरियस। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है आपके आई लैशेज में इस तरह के कीड़े मौजूद होते हैं हर वक्त? इन्हें डेमोडेक्स कहते हैं, जो आपके चाइल्डहुड से आपकी आंखों के पुतलियों पर रह रहे हैं और आपको इस बारे में कोई पता भी नहीं चला। दोस्तों, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये कुछ नहीं करते और ये इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी आंखों से इन्हें देख भी नहीं सकते। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तभी आप इन्हें देख सकते हो। कितने अजीब कीड़े हैं ना ये। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों हिंटर फाइव फैक्ट नाम की ये जगह दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। दोस्तों 1922 में यहाँ पर इस छोटी सी जगह पर बहुत सारे मर्डर्स हुए थे, जो कि बहुत ही घिनौने थे। इसे व्हाइट हॉल मिस्ट्री भी कहते हैं। मिस्ट्री इसलिए क्योंकि जितने भी मर्डर्स यहाँ पर हुए वो किसने किए, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। और कहते हैं कि यहाँ पर उन सब मरे हुए लोगों की आत्मा घूमती रहती है, और कई लोगों को इस जगह से तरह तरह की आवाज़ें आज भी सुनाई देती है। अ मिस्टीरियस प्लेस। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपने कभी ऐसी मछली देखी है जिसको दांत हो? नहीं ना, ये है वो फिश। इसे पाकू फिश कहते हैं। ये एकलौती ऐसी फिश है जिसको दांत है। पाकू फिश साउथ अमेरिका के फ्रेश वाटर्स में रहती है, जहाँ पर पिराना जैसी खतरनाक मछलियाँ भी रहती है। वन लाइक फॉर पाकू फिश, वॉट अ क्रीपी फिश मैन। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आज की दुनिया में अगर आप कोई बड़ा अपराध करते हो तो आपको फांसी की सज़ा या जेल की सज़ा सुनाई जाती है, पर क्या आपको पता है हमारे बीते हुए कल में इतनी खतरनाक सजाएं हुआ करती थी जिससे आपकी रूह कांप जाए? इन्हीं में से एक थी स्कैफिज्म। स्कैफिज्म एक ऐसा टॉर्चर था जिसमें अगर आपने कोई गुनाह किया है तो आपके पूरे शरीर पर शहद डाल दिया जाएगा और आपके हाथ पैरों को बांध कर आपके शरीर पर मुंगियों को, हजारों मुंगियों को और हजारों मधुमक्खियों को छोड़ दिया जाएगा, और तब तक उन्हें वहां से हटाया नहीं जाएगा जब तक आपकी मौत ना हो जाए। वॉट अ हॉरिफाइंग टॉर्चर। फैक्ट नंबर 6, UVB-76। दोस्तों UVB-76 एक ऐसा बजर है जो बिना चलाए बचता ही रहता है ऑटोमेटिकली। ये एक रशियन शॉर्टवेव रेडियो स्टेशन में है जिसमें से अजीब सी आवाज़ें आती रहती है। दोस्तों उसमें से कुछ ऐसी आवाज़ें आती है कि कोई रशियन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आप ये सुनिए। दोस्तों वो सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन बोल रहा है, ये आज तक कोई पता नहीं कर पाया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि 1982 से ये बजर आज तक चलता आ रहा है और रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये बहुत ही मिस्टीरियस बजर है। फैक्ट नंबर 5, वेस्पा जैपोनिका, जिसे जैपनीज जाइंट हॉर्नेट भी कहते हैं। दोस्तों ये दुनिया के सबसे जहरीले कीड़ों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों इसका जहर इतना शक्तिशाली होता है कि अगर वो आपकी स्किन पर गिर जाए ना, तो वो उस स्किन को पिघाल देगा। जी हाँ दोस्तों, वो उस जहर से लिटरली आपकी स्किन जो है वो मेल्ट होने लग जाएगी। ये बहुत ही डेंजरस है। फैक्ट नंबर 4, ऑस्कर द थेरेपी कैट। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये दुनिया की एकलौती ऐसी कैट है जो मौत को भाप सकती है? जी हाँ दोस्तों,
अगर किसी की डेथ होने वाली होगी तो यह कैट उस शख्स के पास जाकर बैठ जाती है और सो जाती है जब तक वो शख्स मर नहीं जाता। इसे हिस्ट्री की सबसे डरावनी कैट भी कहते हैं। मतलब कोई कैसे पता लगा सकता है कि कोई मरने वाला है, वो भी एक बिल्ली। क्या आप इस बिल्ली को पालना चाहोगे, मुझे कमेंट में बताओ। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि जो मीट आप खाते हो ना वो इतना फ्रेश कैसे दिखता है? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मीट को कार्बन मोनोऑक्साइड से पास किया जाता है ताकि वो आपको फ्रेश और टेस्टी दिखे, और ये ज़्यादातर सुपरमार्केट्स में देखा गया है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है अगर किसी इंसान के सिर को काट दिया जाए ना तो वो जो कटा हुआ हेड है ना वो कॉन्शियस होता है, मतलब अभी भी समझ पाता है आसपास क्या चल रहा है कटने के बावजूद। स्टडीज़ के मुताबिक ये कंक्लूड हुआ है कि इंसान का सिर कट जाने के बाद वो सिर 20 सेकंड्स तक समझ पाता है आसपास क्या चल रहा है और देख भी सकता है। बहुत ही क्रीपी फैक्ट था ना ये। फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फैक्ट नंबर 1, माइक द हेडलेस चिकन। दोस्तों इस चिकन को देखो, अपना सिर कटने के बावजूद ये चिकन पूरे 18 महीने जिंदा रही थी। पर यह कैसे संभव हो सकता है? जब माइक का सिर काटा गया उस समय उसका हेड अच्छे से नहीं कट पाया था और अभी तक उसकी जैगुलर वेन जो होती है ना वो बची हुई थी और अच्छे से नहीं कटी हुई थी, इसीलिए शायद वो जिंदा थी। ऐसा पहली बार हुआ था पूरी हिस्ट्री में कि कोई जानवर बिना सिर के 1.5 साल तक जिंदा रहा था। अनबिलीवेबल। दोस्तों हमारी वीडियो यही एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।